वस्त्र से सन्यासी, शस्त्र से योद्धा। जय श्री राम। जोर से बोलो जय श्री राम। मेरा पति शेर है, शेर। दमदार एक्शन और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, यानी कि ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव आ चुके हैं राजा राम के अवतार में, यानी कि डबल दो दो वाले अवतार में। और भैया देखने के बाद एक बार लग रहा है कि माहौल बदलने वाला है। कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि छठ पूजा में बवाल नहीं तूफान जलजला आने वाला है। जी हाँ, राजा राम का टीजर देखा, रोंगटे खड़े हो गए और लगा कि यार वाकई में ही क्या फिल्म बनाया गया है, क्या टीजर काटा गया है। बीएफएक्स पे ध्यान दिया गया है और वाकई में ही लग रहा है कि बीएफएक्स में गलती नहीं है। छोटी मोटी यदि टेक्निकली गलती छोड़ दिया जाए तो वाकई में बीएफएक्स एकदम क्लेवर तरीके से दिखाया गया है। और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, जिस तरीके से खेसारी लाल यादव को डिजाइन किया गया, जिस तरीके से दोनों लुक को, यानी कि राजा और राम का जो लुक को कंबाइन किया गया, जिस तरीके से शैडो दिखाया गया है, वाक्य में ही दिल जीतने वाला काम खेसारी लाल यादव ने किया है। अभिनय खतरनाक किया गया है और साथ ही साथ ट्रेलर में जो है चुम्मा चुम्मा जो जो गाना है ना, जो रिमिक्स वाला जो वर्जन है जिसका फुल वीडियो आ चुका है, उस पे जोर दिया गया है। और साथ ही साथ सपना चौहान का जो दमदार डायलॉग मारा गया है कि मेरा पति शेर है, और जिस तरीके से बब्बर साहब के साथ जिस तरीके से फाइट सीक्वेंस करते हैं, यानी खेसारी लाल यादव वाकई में ही दमदार है। यानी कि ट्रेलर देखने के बाद रोमांस के साथ साथ सस्पेंस जो है वो बरकरार है। जी हाँ, ये कहानी सीधा सीधी आप यूं कहें तो अरुण गोखले जो रामायण के जो राम हैं उनके ऊपर ही कहीं ना कहीं आधारित लग रहा है, साफ साफ दिख रहा है। और इसमें ट्रेलर में सारांश दिखाया गया है कि भैया राजा अलग करेक्टर है, राजा एक चुलबुला एक मस्ती सा लड़का सा एक एक्टर है, लेकिन राम जो राम राजा करेक्टर निभाता है राम का, और उसको लोग भगवान मान लेते हैं। और भगवान जब सिगरेट पीते हुए नजर आते हैं पब्लिक प्लेस में तो फिर क्या रिएक्शन होता है, और कैसे तरीके से एक वृद्ध बूढ़ा आश्रम में, यानी वृद्ध आश्रम में पहुंचते हैं खेसारी लाल यादव, लोगों की सेवा पानी करते हैं, किस तरीके से के गोस्वामी को तेल मालिश करते हुए नजर आते हैं वो काफी ज्यादा है। और वहां पे किस तरीके से लोग कठिनाइयां होती है खेसारी लाल यादव को वहां पे वो दिखाया गया। और साथ ही साथ एक्शन सीक्वेंस जो दिखाया गया है वो एकदम दार है, मतलब ट्रेलर में वो सभी मसाला मौजूद है जो भोजपुरी ऑडियंस को बांधती है, और वो डायरेक्टर साहब पराग पाटिल ने बखूबी किया है। और पराग पाटिल का और खेसारी लाल यादव के साथ जितनी भी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर आई है सब तूफान वाली फिल्में आई है, मतलब संघर्ष टू पिछली जो थी वो ब्लॉकबस्टर थी, और इस साल जो है भैया राजा राम आ चुका है, उम्मीद है कि भैया ये सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर होगा। फिलहाल टीजर नहीं देखे हो तो आप देख लो, सारेगामा हम भोजपुरी पर रिलीज है। और कुछ कहना हो जिन लोगों ने देख लिया वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको ट्रेलर कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।